बाद ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश इतना तेजी हुआ है। आप लोग पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखे होंगे रामपेठी का, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और पूरा भींग गए हैं, और अभी जहाँ पे जा रहे हैं मतलब खतरनाक ब्लॉक होने वाला है, डरावना नहीं है लेकिन बहुत ही तगड़ा धार्मिक ब्लॉक होने वाला है। और हमारा दोस्त लोग आगे जा रहा भैया, अभी हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो पहले सोच रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के बाद कुछ खाया जाएगा। यहाँ अयोध्या में घूम रहे हैं भैया, जितना रोड में देख रहे हैं ऐसा मकान, मतलब पुराना टाइप का मकान, मतलब राज महल टाइप जैसा है, पुराना है लेकिन महल टाइप जैसा है, देख रहे हैं पूरा जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है पुराना महल टाइप। और इधर भी देख रहे हैं, और यहाँ निःशुल्क भोजन देता है गोस्वामी जी, श्री राम किशोर गोस्वामी जी द्वार संपत्ति, यहाँ पे आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे। रास्ते से जितने लोग अभी जा रहे हैं, और हम लोग भी जितना जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं राम भगवान का जन्मभूमि, जहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ उस जगह जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं। और इधर का व्यू दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए, और ये देखिए धनुष भैया, कितना बड़ा धनुष है। और इधर अंदर जाने के लिए मोबाइल अलाव है कि नहीं अलाव है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। जितना अभी लोग जाते हुए आप लोग को दिखाई दे रहा है, सारे राम जन्मभूमि जा रहे हैं। अब सीधे चलेंगे राम जन्मभूमि का मंदिर, और इधर देखिए भैया किस तरफ व्यू है, ये देखिए। और इधर राम मंदिर का काम चल रहा है, देखते हैं अंदर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे पुलिस बहुत सारा लगा हुआ है, आज सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं भैया, वेट कर रहे हैं कि जा सकते हैं कि नहीं। शुल्क लॉकर सर्विस, यहाँ मतलब जो भी सामान आप लाएँ बाहर से, बैग वैग मोबाइल वोबाइल सारा यहाँ पे रख सकते हैं फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे बाथरूम भी निःशुल्क है, आप बाथरूम भी जा सकते हैं। और फ़ोन वोन अलाउ नहीं अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर में राम जन्मभूमि मंदिर है। और यहाँ पे निःशुल्क पानी भी पीने के लिए मिल जाएगा आपको, और पानी ठंडा रहेगा, ऐसा नहीं कि गर्म रहेगा, पूरा पानी ठंडा रहेगा। और इधर का व्यू देख सकते हैं भैया, अभी शाम का टाइम हो रहा है, और कितना लोग यहाँ पे डेली दर्शन करने के लिए आते हैं। और अंदर जाने के बाद बस आपको जन्मभूमि का मंदिर का पैर पड़ सकते हैं, मतलब अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही आप दर्शन कर सकते हैं, और आपको प्रसादी मिल जाएगा, और बाहर से आप निकल जाएं। और इधर देखिए राम मंदिर का पूरा काम चल रहा है अभी, मतलब पूरा काम कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी, तो इधर काम ही चल रहा है। उधर सिर्फ जो आप लोग को ये दिखाई दे रही है, देखिए ये सारा राम मंदिर का ही काम चल रहा है अभी, जिसके अंदर आने का भैया दिल से पूरा इंतज़ार था, वहाँ उसके अंदर तो आ चुके हैं। और आप लोगों को पहले बाहर का व्यू दिखाते हैं, और जो लोग भैया आ नहीं पा रहे हैं अयोध्या, जो लोग भैया घर बैठे, मैं उनको टूर करवाऊंगा राम मंदिर का निर्माण, जो अभी पूरा 90% कंप्लीट हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे कितना डिजाइनिंग पत्थर रखा हुआ है, सारा यहाँ पे डिजाइनिंग किया जाता है, और यहाँ पे यहाँ से फिर सारा ले जाया जाता है। और यहाँ पे सभी लोग, कितना न्यूज़ रिपोर्टर लोग आए हैं, और ब्लॉगर को तो भैया ठिकाना नहीं, क्योंकि ब्लॉगर लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ अभी, मेन लोकेशन है यहाँ पे हमारा राम मंदिर का मेन गेट, यहीं से सभी लोग पुजारियों लोग मतलब भक्तों लोग पुजारियों लोग सारे अंदर जाएंगे यहीं से। और जितना आप लोगों को बम्बू दिखाई दे रहा है, ये बांस का नहीं है, जो हमारे गांव में घर बनता है वो बांस का नहीं होता है, लेकिन ये बांस का नहीं, ये सारा लोहा का बना हुआ, क्योंकि इतना काफ़ी विशाल मंदिर बनाया जा रहा है, जो वर्ल्ड के तीसरे नंबर में हमारे राम मंदिर आने वाला है। तो भैया ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और चलिए चलते अंदर, और अंदर में जाके आप लोग को सारा यहाँ पर डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग दिया गया है, देख रहे हैं पिलर का डिजाइनिंग भैया इतना काफ़ी ज़्यादा सुंदर, और आंगन का सारा आप लोग को व्यू दिखाएंगे। और चलते हैं यहाँ पर मेन लोकेशन, जहाँ पर ये यहीं पर इसी गर्भ में हमारे राम मंदिर का विराजमान होंगे, राम भगवान का विराजमान होंगे। तो अभी हमारे जो बाहर में जो मंदिर है वहीं पे हमारे राम भगवान विराजमान है, और इसी गर्भ में हमारे राम भगवान विराजमान होंगे, जो आप लोगों को सनातन धर्म का वो फ्लैग दिखाई दे रहा है यहीं पे। तो आप लोगों को पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं, और आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं, तो आप लोग भैया घर बैठे दर्शन कीजिए। और यहाँ पे हमारे आज तक वाला दीदी लोग भी आए हैं, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े रिपोर्टर लोग आए हैं, तो भैया उन्हीं में से मैं छोटा ब्लॉगर भी आया हूँ। और यहाँ पे देखिए किस तरह डिजाइनिंग दिया गया है, मोर का डिजाइनिंग भैया, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इतना काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर, जो डिजाइनिंग इतना सुंदर है ना, मैं पहली बार देख रहा हूँ अपना लाइफ में भाई इतना। और आप लोग आएंगे यहीं से कभी यहाँ पे सामने से देखेंगे भैया, गजब का व्यू लग रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ राम मंदिर, जहाँ पे राम मंदिर का गर्व है, इसी के अंदर किस तरह डिजाइनिंग बनाया गया है, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। मैं तो भैया दर्शन कर ली हूँ, और इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, लेकिन गर्मी लग रहा है वो प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन इतना ज़्यादा खुश हूँ दिल से। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भैया सबसे ज़्यादा लकी हैं, और देख रहे हैं
पिलर का डिजाइनिंग और ये मेन आंगन है और बाहर का व्यू देखिए कितना तेजी से काम चल रही है। और यहाँ पे पहले कुछ है, यहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कारी भी देखे हैं, बहुत बार ऐसा चमत्कारी भी हुआ है राम मंदिर में, क्योंकि भैया हमारे सनातन धर्म में बहुत ऐसा चमत्कार भी होता है। और ये ट्रैक्टर से सारा पत्थर आता है, यहीं पे पत्थर तोड़ के पूरा डिजाइनिंग किया जाता है। और यहाँ पे बारिश भी हुआ था अभी, मतलब डेली बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, और देख रहे कितना पत्थर को तोड़ के एकदम पूरा डिजाइनिंग किया जाता है। और कितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर पत्थर देख रहे, पूरा पिलर ये जो दिखाई दे रहा है यहीं से फिर बांध के ले जाया जाता है। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं भैया वो सबसे लकी हैं, क्योंकि वो बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इतने बड़ा खुशी उन लोग जो भैया यहाँ पे कर रहे हैं उनको, उनसे कभी आप खुशी पूछते हैं तो भैया इतना खुश होंगे। और यहाँ इतना ईंटा दिखाई दे रहा है, सारे में राम राम लिखा हुआ है। और राम मंदिर को जितना बनाने में खुदाई हुई है तो उसके अंदर बहुत सारा मूर्ति भी निकला हुआ है, बहुत सारा भगवान का, तो यहीं पे सारा भगवान विराजमान होंगे इसी के मंदिर के अंदर। और यहाँ पे देखिए जो ब्लू टाइप का पथ दिखाई दे रहा है, जो अभी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं इसी पथ से। और यहाँ पे देखिए राम मंदिर का आगे का सीन है, जो कमल का डिजाइनिंग दिया गया कितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर। और हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ये शुद्ध माना जाता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी इस पे विराजमान होते हैं। और यहाँ पे जेसीबी से पूरा खुदाई कर रहे हैं, और यही खुदाई करने में बहुत सारा मूर्ति निकला हुआ और बहुत सारा अभी फिलहाल चमत्कार भी हुआ। तो अब मिल गया रूम भैया, सबसे अच्छा ये हुआ 500 रुपये में इतना सस्ता रूम मिल गया, बहुत ही खुशी वाला बात है कि इतना सस्ता में मिल गया। ये दोनों भैया सो भी गया, जो है तो कम पैसा लगेगा उससे थोड़ा, मतलब ये असर नहीं होगा कि मतलब इतना लग गया, एक जन रहते तो थोड़ा दिक्कत होता है। और आप लोग को जितना घुमाया आज तो जितना हो सका तो घुमा दें। और ये वाला ब्लॉग देखे रहे हैं, और जो लोग पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं अयोध्या वाला, तो भैया लिंक दे देंगे नीचे, आप लोग जाके देखिए और वॉच कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करें तो बनता है कि आप लोग को अपना भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जो लोग भैया हिंदू लोग, मतलब सबको भेजिए, ऐसा बात नहीं हिंदू, सबको भेजिए जो लोग ब्लॉग देखना पसंद करता है। और इतना ज़्यादा मतलब आप लोग को घर बैठे इतना ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले एक और न्यू ब्लॉग में।